दोस्तों आज हमारे पास है Realme GT Master Edition। तो यार अनबॉक्स करेंगे इसको और देखेंगे कि क्या ये सिर्फ नाम का मास्टर है या फिर सच में मास्टर है। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, हमारे पास जो वेरिएंट है ना, ये 8GB 128GB वाला है प्लस ब्लैक कलर में है। तो यार बॉक्स को ओपन करेंगे, देखेंगे कि बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, प्लस फोन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और ये देखेंगे कि भाई फोन की प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे कि क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं करता है, मतलब कि सिर्फ नाम का ही मास्टर है या फिर सच में मास्टर है। बट यार वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ये है हमारा Realme GT का बॉक्स। अब अगर आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, प्लस जब आप बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोन की मेन हाईलाइट्स देखने को मिल जाती है। पहले तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। प्लस आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन रखा हुआ है, तो यार फ़ोन को देखेंगे बाद में देखेंगे, क्योंकि इस पर ही तो बात करना है हमको। अब यहाँ पे आपको पहले एक टाइप सी वाला केबल देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको एक केस देखने को मिल जाता है, केस अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। सुपर डार्ट आपको 65 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टेड टूल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो यार अब ना अगर आप फ़ोन की बात करेंगे तो पहले तो आप जब फ़ोन को हाथ में पकड़ोगे ना तो काफ़ी आपको हैंडी फील होगा, मतलब कि ऐसा लगेगा नहीं कि यार 6.43 इंच का फ़ोन है, मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट वाली फीलिंग आएगी। अब अगर कवर निकाल लेते हैं तो ये देखिए ब्लैक कलर, मतलब यार इसमें तो आप देखोगे तो यार पूरा सब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मतलब पूरा मिरर ब्लैक है ये। अब अगर आप फिजिकल ओवरव्यू की बात करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे डाउन साइड में आपको 3.5mm का एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलती है, और लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है। अब अगर आप डिस्प्ले की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच का एक फुल HD वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब 1000 निट्स की यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की बात करोगे तो 120 हर्ट्ज की आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए फोन को फटाफट बूट कर लेते हैं। ओके, तो बैटरी थी फोन में, तो चलिए मैं फटाफट इसका सेटअप कंप्लीट करके वापस से आपके पास आ जाता हूँ। तो दोस्तों अब हमने हमारे फोन का सेटअप कंप्लीट कर लिया। वैसे ना मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, ये देखिए अगर आप बैक साइड में देखेंगे ना तो यहाँ पे फिंगर टिप्स के निशान आते हैं, और ये आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं ना आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैक कवर के साथ इसको यूज कीजिए। तो चलिए बैक कवर को लगा लेते हैं। बैक कवर ना काफी अच्छे से होल्ड करता है डिवाइस को, आप बैक कवर लगाने के बाद भी ना काफी अच्छा फील करेंगे। अब यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, तो आप देख सकते हैं स्क्रोलिंग वगैरह, मतलब कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ना कोई भी एक्सपांडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलता, 128GB आपको मिलेगा, प्लस आपको दो सिम स्लॉट मिल जाएंगे, मतलब आप दो सिम लगा सकते हो बट एक्सपांडेबल स्टोरेज आपको नहीं मिलेगा। तो यार चलिए ना अब OS की बात करते हैं। सेटिंग्स, अबाउट फोन, यहाँ पे आप देखेंगे तो Realme UI वर्जन 2.0 देखने को मिलता है, और Android वर्जन 11 हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब Realme ने वर्जन 3.0 भी अनाउंस कर दिया, और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है ये अपडेट पहले GT सीरीज के फोन में आने वाला है। अब यहाँ पे आपको RAM एक्सपांसन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप आपके RAM को 5GB या फिर 3GB या फिर 2GB से बढ़ा सकते हो, तो यार ये काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे भी आपको हर बार की तरह प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलेंगे, अब इसमें से ना आप कुछ कुछ को चाहो तो अनइंस्टॉल भी जरूर कर सकते हो। अब इसके बाद कैमरे की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है ये 64MP का आपको देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी वाला अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है 8MP का, और जो थर्ड सेंसर देखने को मिल रहा है ये 2MP का दिया गया है, ये मैक्रो सेंसर है। अब वैसे Realme ने कंफर्म नहीं किया है कि यहाँ पे इन्होंने कौन से सेंसर्स को यूज किया है,
अब अगर आप फ्रंट साइड में बात करोगे तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पे सोनी का IMX615 यूज किया गया है। अब अगर ना आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करोगे तो आप यहाँ पे रियर कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे ना 60fps पे आपको सपोर्ट नहीं दिया गया है। हाँ 1080 पे आप 60fps रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए ना अब यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे फोटो में आपको डिटेलिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक दो सैंपल्स और क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो तो फोटो काफी अच्छी आ रही है। मैं ना एक दो सैंपल्स और शेयर कर देता हूँ। ये आपके स्क्रीन पे आप ये जो सैंपल्स देख पा रहे हो ये हमने GT मास्टर एडिशन से ही लिया है। आपको यहाँ पे ये बात याद रखना होगा कि यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट मिलता है और OIS का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। वैसे मैंने यहाँ पे देखा इमेजेस काफी अच्छी आ रही थी, बट पोर्ट्रेट में मुझे कहीं कहीं लगा कि एजेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ये एजेस को उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना ये अपडेट के थ्रू फिक्स की जा सकती हैं। तो यार अब ना यहाँ पे मल्टीमीडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना कि यहाँ पे आपको मोनो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिल रहे हैं। अब यार मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यार जब इतना हम लोग पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग ना यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर डिजर्व करते हैं, बट यहाँ पे मोनो ही दिया गया है। और आप देखोगे ना तो स्टीरियो स्पीकर्स आजकल कॉमन होते जा रहे हैं, तो इनको भी यहाँ पे देना था। अब यहाँ पे मैं ना एक ऑडियो प्ले करता हूँ, आप सुन लीजिएगा। और आप यहाँ पे व्यूइंग एंगल वगैरह देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सुपर एमोलेड है तो डेफिनेटली आप यार इन्जॉय करोगे ही। और आप साउंड की भी बात करोगे ना तो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट ठीक है। और डेफिनेटली डिस्प्ले तो यार काफ़ी कमाल का है, आप मतलब चारों तरफ से देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मज़ा आएगा आपको। तो यार अब ना अगर यहाँ पे आप प्रोसेसर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट देखने को मिलता है। अब ये ना 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना है, मतलब आप समझ सकते हो पावर इफिशियंसी वगैरह बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, मतलब बैकअप वगैरह ना यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब अगर आप एंटूटू स्कोर की बात करोगे तो एंटूटू स्कोर यहाँ पे 5,30,000 से लेके 5,40,000 के आसपास देखने को मिलता है। हमने BGMI वगैरह भी ट्राई किया, आप एक्सट्रीम स्मूथ ऑप्शन पे खेल सकते हो, 60fps आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस ना काफी कमाल की निकल के आती है। अपना कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, ड्यूल 5G का सपोर्ट मिलता है और टोटल यहाँ पे आपको 8 बैंड देखने को मिलता है, मतलब यार बैंड में कोई कटौती नहीं की गई है। Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट और NFC का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अब ना अगर यहाँ पे आप सेंसर्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको सभी सेंसर्स देखने को मिलते हैं। हमने फिंगरप्रिंट सेंसर इनरोल किया है और फेस अनलॉक भी इनरोल किया, तो चलिए फटाफट चेक करते हैं। तो ये आप देख रहे हो अनलॉक हो गया, देख रहे हो कितना कोई भी डिले नहीं है यहाँ पे। अच्छा फेस अनलॉक भी ट्राई करते हैं, ये मैंने देखा, ये देख रहे हो ये एंगल पे तो भी अनलॉक हो गया है, मतलब यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डिले नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए अनलॉक हो गया, मतलब यार बहुत क्विक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया और कहीं पे किसी भी तरह का मुझे ना डिले देखने को नहीं मिला। तो यार काफ़ी अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे आपको कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। तो यार अब ना अगर यहाँ पे आप बैटरी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 4300mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है और 65W का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। बैटरी कम है बट 65W का चार्जर है ना तो मैनेजेबल है, और रियलमी क्लेम करता है कि भाई 33 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, तो अच्छी बात है। अब अगर आप बोलोगे कि फ़ोन के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या क्या हैं, तो देखिए मुझे जो चीज़ पॉजिटिव यहाँ पे लगी वो ये है कि भाई डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके साथ ही ना अगर आप देखोगे तो कैमरा भी डिसेंट परफॉर्म करता है। बट निगेटिव क्या लगा मुझे यहाँ पे, ये लगा कि भाई पहली बात तो इनको ये क्लियर करना चाहिए कि इन्होंने सेंसर्स क्या यूज किए हैं कैमरे में। अब भाई हम कस्टमर हैं, हम पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको इतना जानने का अधिकार है, करेक्ट। अब इसके बाद आप देखोगे तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इन्होंने क्या प्रोटेक्शन दिया है, गोरिल्ला ग्लास है कि क्या है, कुछ भी नहीं बताया है। अब स्टीरियो स्पीकर्स देने थे ये भी नहीं दिया है, अब प्री इंस्टॉल्ड ऐप दिए गए हैं, तो यार इसकी तो आदत पड़ गई है ना, अब रियलमी UI में भी ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स वगैरह आते हैं तो इसकी आदत हो गई है। अब आप बोलोगे कि अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी डील है या नहीं है, तो देखिए आज के टाइम पे M52 लॉन्च हुआ है, ये कुछ 28,000 का आता है, मोटोरोला S20 वो भी 28-29,000 का आता है, फिर Xiaomi का Xiaomi 11 Lite 5G यानी है वो भी 28-29,000 का, ये सब ना सेम प्रोसेसर वाले हैं, स्नैपड्रैगन 778 वाले। इसके साथ ही ना Vivo का IQOO Z5 भी आता है, ये थोड़ा सस्ता आता है, 23-24,000 रुपए के आसपास आता है, बट यहाँ पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है।
और फिर मुझे क्या लगता है कि अब मतलब आप पहले का अगर प्राइस निकालोगे आप Realme GT Master Edition का, तो वो कुछ 26,000 का बेस वेरिएंट आता था, 26-27,000 के आसपास। बट अभी बिग बिलियन डे सेल में ये आपको कुछ 19,500-20,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, और 8128 वाला जो है वो 21,500 के आसपास देखने को मिल रहा है, और वो प्राइस पॉइंट पे मुझे बेस्ट डील लग रहा है। तो डेफिनेटली ना आप इस प्राइस पॉइंट पे Realme GT Master Edition के साथ जा सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि यार ये 23-24,000 में भी एक अच्छी डील है, बट बिग बिलियन डे सेल या आने वाले आगे की किसी सेल में अगर ये आपको 20-21 में मिल जा रहा है तो क्या ही कहना है। अब मैं 27-28,000 का कुछ नहीं भूलूंगा, आप समझ जाओ 21-22 या 23-24 मैक्स हो गया, इतना ठीक है। अब ये तो होगा फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो। अब अगर आप चाहते हो कि हम लोग कोई रिव्यू करें या 7 दिन बाद अपने रिव्यू दें, या फिर परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, या फिर इसके कैमरे को रिव्यू करें, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नीचे पूछ सकते हो। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।